और बच्चों कैसे हो? हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा हो तो आपको शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा, ये हमें शो करना है। क्या करना है? ये शो करना है। आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यही होता है। अब यहां से उसको ये बात गिवन है, ये बात गिवन है, तो ये क्या गिवन है? 0। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 0 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर नेगेटिव एक्स वाई नेगेटिव वाई जेड और नेगेटिव जेड एक्स। हमें ये पता है ये दोनों वैल्यू क्या है प्रोडक्ट में, तो कोई भी वैल्यू क्या होगी? 0 के साथ प्रोडक्ट होके आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास यहाँ बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नेगेटिव 3xyz। अब इस नेगेटिव को हम उधर लेके जा सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और यही हमें क्या करना था? शो करना था। यानी कि इसने कहा कि अगर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसका अर्थ है हम इस वैल्यू को इधर लेके आ सकते हैं, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे इस टर्म को, कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर क्या ले सकते हैं? हम 3xyz ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी प्रॉपर्टी पे आधारित अब क्वेश्चन करते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। यहाँ क्यूब दे रखा है 12 का क्यूब, आपको ऐसे नहीं करना 12 गुणा में 12 जो आंसर आया 144 उसको 12 से फिर प्रोडक्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन नहीं करना आपको। ये कह रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट किए किसको? क्यूब्स को। देखो आपको मल्टीप्लीकेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन क्यूब्स वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, यानी कि 7 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, 5 की 3 बार नहीं करना, 12 की 3 बार करके इनको एड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, करना तो है मल्टीप्लीकेशन लेकिन डायरेक्ट क्यूब नहीं करना। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ईच केस, प्रत्येक केस की वैल्यू ही बताइए। तो इसका मतलब सिंपल वे में हम कह सकते हैं, अब यहां से हम एक बार ये देखते हैं ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी कब लागू होती है, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है? 0 होता है, तब अप्लाई होता है। और अगर देखा जाए तो ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो हम यहां से पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की जगह कितना है? 12 प्लस 7 प्लस 5। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या है? 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है हमारा? 0। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है तो ये किसके इक्वल होता है? 3xyz के इक्वल होता है ये आंसर, ये अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, कि यहाँ पे आपको -12³ + 7³ + 5³ आपको प्रोडक्ट नहीं करना, क्या करना है? सिंपल सा 3 × -12 × 7 × 5। ठीक है, यहां से अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कितना मिलेगा, इनकी प्रोडक्ट करेंगे पहले तो ये देखो, ये प्लस ये माइनस प्लस प्लस, एक नेगेटिव है बाकी पॉजिटिव है, तो साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव। अगर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 420, यानी कि 420। और 420 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। 2 × 3 = 6 और 12 हमारे पास कितना आंसर आया? 1260 नेगेटिव का आंसर आ गया। यानी कि हमें सारी कैलकुलेट करके नहीं देखना पड़ा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। इसी तरह से यहाँ पे हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड चेक करते हैं क्या 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तो चेक करते हैं, यानी कि 28 माइनस का 15 माइनस का 13 अगर सोल्व किया तो क्या आया? 0। अगर ये होता है तो हमें पता है ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz कर सकते हैं ना। तो हमें यही चाहिए, 28 का क्यूब
प्लस माइनस 15 का क्यूब और प्लस माइनस 13 का क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा, 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। अब यहां से देखते हैं दो के पास क्या आया है, नेगेटिव, तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम इन तीनों की प्रोडक्ट करते हैं 28, 15 और 13 की, तो कितना मिलेगा हमारे पास, 5460 मिलेगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 0, 18 और 12 और 13, 15 और 16। आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 14। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, कल इनको हम क्या कर देंगे, फिनिश, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।